बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मंसूर अली नारेजो है। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर 2019-81 है और मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट खैरपुर निगस तालका गंबर से। और हमारा जो प्रेजेंटेशन टॉपिक है वो है क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट हार्मोन एंड रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स, यानी जो हार्मोन्स के यूजेज हैं जब रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स हैं उनमें किस तरह हम हार्मोन्स को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्मोन की, कि हार्मोन क्या है। हार्मोन केमिकल मैसेंजर्स हैं जो रिलीज होते हैं थ्रू एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डकलेस ग्लैंड्स होते हैं। डकलेस हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी जो सीक्रेशंस होती हैं वो डायरेक्टली रिलीज होती है इन द ब्लड। वो ब्लड के अंदर डायरेक्टली रिलीज करते हैं अपनी सीक्रेशंस को। और हार्मोन्स जो है वो माइन्यूट क्वान्टिटी में रिलीज होते हैं, क्योंकि यानी वो थोड़े से अमाउंट में, थोड़े से मिकदार में वो अपना काम कर देते हैं। उसके बाद क्लिनिकल यूज़ से क्या मुराद है। क्लिनिकल यूज़ से ये मुराद है कि जो अगर क्लिनिकल साइकिल में कहीं पर प्रॉब्लम है उसको हम रिकवर करने के लिए, या कोई डिजीज़ हो गई है जिस तरह सिस्ट होती हैं, या जो अगर पार्चुएशन के बाद कार्पस ल्यूटियम थोड़ा सा रह जाता है, तो हम ऐसे प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए हार्मोन्स का यूज़ करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये होगा इनका यानी क्लिनिकल यूज़। तो इस तरह हम हार्मोन्स को फर्दर क्लासीफाई करते हैं। ये क्लासीफिकेशन किस बेस पे करते हैं, तो हार्मोन्स को हम क्लासीफाई करते हैं क्लासीफिकेशन ऑफ हार्मोन। तो हार्मोन्स को जो हम क्लासीफाई करते हैं वो उनको थ्री बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले हम उनको क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, यानी वो कहाँ से रिलीज हो रहे हैं। सबसे पहले हम सोर्स के हिसाब से उसको क्लासीफाई करते हैं। फिर सोर्स में सबसे पहले आता है एपिडर्मिस, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिडर्मिस की। तो एपिडर्मिस से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है जीएनआर, व्हेनेवर यू आर रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से। और यहाँ से दूसरा हार्मोन जो रिलीज होता है वो है ऑक्सीटोसिन, ये भी यहाँ से रिलीज होता है। तो इसके अलावा है कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीजिंग हार्मोन सीआरएच, ठीक है। ये तीन हार्मोन हैं जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ से जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो एफएसएच यानी जीएनआरएच जो हार्मोन है वो अपना यानी वो इफेक्ट करता है, वो मैसेज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, वो रिलीज करवाता है एफएसएच को। इसके बाद रिलीज होता है फ्लैश स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके बाद है प्रोलैक्टिन, एसीटीएच, ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। और इसके बाद है टीएसएच, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इसके बाद हम आते हैं नंबर थ्री ओवरी, कि ओवरी से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। ओवरी से रिलीज होते हैं इस्ट्रोजन, ठीक है, इस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोक्सिन, ठीक है। और इसके अलावा है टेस्टोस्टेरोन, इनहिबिन, टेस्टोस्टेरोन, इनहिबिन, और इसके बाद है रिलैक्सिंग हार्मोन। ये सारे हार्मोन रिलीज होते हैं फ्रॉम ओवरी। इसके बाद हम आते हैं प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन यहाँ से रिलीज होता है। और इसके अलावा है रिलैक्सिन, रिलैक्सिन भी थोड़े अमाउंट में यहाँ से रिलीज होता है। उसके बाद सोर्स के हवाले से लास्ट जो पार्ट है, लास्ट जो ऑर्गेन है हमारे पास वो है यूट्रस। तो यूट्रस से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो हैं, सबसे पहले आता है प्रोजेस्टेरोन,
उसके बाद है PGF F2 alpha, ठीक है। उसके बाद है इंटरफेरॉन, SCG, ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं यूट्रस से। इसके अलावा जो दूसरा हम क्लासिफाई करते हैं हार्मोन्स को ऑन द बेसिस ऑफ मूड ऑफ एक्शन, यानी जो हम इनको क्लासिफाई करते हैं दूसरा है मूड ऑफ एक्शन। मूड ऑफ एक्शन से कुछ हार्मोन्स को हम कहते हैं रिलीजिंग हार्मोन, यानी ऐसे हार्मोन्स दूसरे हार्मोन्स को रिलीज करें। जिस तरह हमने सबसे पहले बात की थी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की, तो ये क्या करता है, ये रिलीज करवाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसी तरह ये आता है रिलीजिंग हार्मोन। और इसके अलावा है प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन, जिस तरह हमारा प्रोजेस्टेरोन हो गया, तो ये क्या करता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। इसके अलावा दूसरे हार्मोन्स होते हैं जिस तरह ल्यूटोलाइटिक हार्मोन्स हैं, जो यानी ल्यूटोलाइसिस खास करवाते हैं, जिस तरह हम बात करते हैं PGF2 alpha की, F2 alpha की, तो ये क्या खास करवाता है ल्यूटोलाइसिस खास करवाता है। इसके अलावा हम फर्दर जो है न्यूरो हार्मोन्स होते हैं कुछ, उसके अलावा गोनेडोट्रोपिन हैं, जनरल मेटाबॉलिक हार्मोन्स हैं, ये सारे किस टाइप में आते हैं, यानी ये मूड ऑफ एक्शन में आते हैं। और नंबर 3 हम क्लासीफाई करते हैं हारमोन्स को ऑन द बेसिस ऑफ बायोकेमिकल, यानी वो किस चीज़ के बने हुए हैं, यानी नंबर 3 हमारे पास आता है बायोकेमिकल, ठीक है। यानी जिस चीज़ के वो बने हुए उस हवाले से हम उनको क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले इसमें मैंने लिखा है गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन जिस तरह न्यूरोपेप्टाइड है, गोनेडोट्रोपिन है न्यूरोपेप्टाइड, और ग्लाइकोप्रोटीन्स जिस तरह LH FSH, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक्टिविन, ये सारे क्या हैं, ये आते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स में। और दूसरे प्रोटीन्स हैं जिस तरह प्रोलैक्टिन है, प्लेसेंटल लैक्टोजन है, ये आते हैं प्रोटीन में, यानी ये प्रोटीन नेचर है, इनकी बायोकेमिकल जो कंपोजिशन है वो क्या है, प्रोटीन है। और इसके अलावा है न्यूरोपेप्टाइड, जिस तरह हमारा ऑक्सीटोसिन जो है वो क्या है, न्यूरोपेप्टाइड है। इसके अलावा स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं जिस तरह एस्ट्राडियोल है, और इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है, ये सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स में आते हैं। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन C20 फैटी एसिड, PGF F2 alpha जो है ये इसमें आता है, यानी वो किस चीज़ का बना होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन C20 फैटी एसिड इसमें होते हैं, और PGE2 alpha इसी में आता है, PGE2। थैंक यू। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर है, बायकास मरखंड, मेरा जो ताल्लुक़ है खैपुर मिरस के छोटे से शहर गंबट से है। मेरा जो टॉपिक्स हैं, मेरी जो टॉपिक्स हैं, एक तो GnRH है और FSH और LH, ये हार्मोन्स हैं। आ जाते हैं GnRH पे। GnRH जो है वो हाइपोथैलेमस के इंटीरियर पार्ट से रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस के इंटीरियर से रिलीज होता है GnRH हार्मोन, जो कि जिसका काम है FSH और LH हार्मोन को रिलीज करना। उसके बाद है ये जो मतलब कि एनिस्ट्रस में जो एनिमल्स होते हैं, फीमेल्स होती हैं, उन्हें कैसे स्ट्रेस में लाया जाए वो ये काम करता है। हम GnRH देंगे ताकि वो स्ट्रेस में आ जाए एनिमल्स जो एन स्ट्रेस में है कंटिन्यूस। उसके बाद फॉलिकल्स की ग्रोथ भी यही करवाता है ताकि ये जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का आगे बढ़ सके फॉलिकल्स की ग्रोथ की वजह से। और अब आ जाते हैं क्लिनिकल्स पे, क्लिनिकल यूज़ पे, उसमें है ये जो मतलब कि सीजनल ब्रीडिंग होती है। उसके अलावा हम अगर आप खुद चाहते हैं कि हमारा एनिमल हीट में आए तो हम ये GnRH यूज़ करके हम अपने एनिमल को कभी भी किसी भी टाइम पे मतलब हीट में ला सकते हैं। उसके बाद है ओवेरियन सिस्ट,
ओवरन सिस्ट की हम थेरेपी करते हैं। जब एनिमल फीमेल एनिमल में ओवरी सिस्ट प्रोड्यूस हो जाती हैं तो उससे क्या होता है, फीमेल्स में जो है वो ऐसा हो जाता है कंटिन्यूसली हीट में रहता है, वो एनिमल कंटिन्यूस हीट में रहता है और ऐसा महसूस होता है कि वो प्रेग्नेंट मतलब हो चुका है, लेकिन प्रेग्नेंट नहीं होता दरअसल। उसके बाद हम उसके थेरेपी कैसे करते हैं, ओवरन सिस्ट को रप्चर करते हैं ताकि ये प्रोसेस आगे बढ़ सके। और उसके बाद है स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन भी, ये मतलब क्लिनिकल यूज में होता है। स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन अमूमन 50 दो से ज़्यादा फीमेल्स जो दो से ज़्यादा कितनी भी हों, हम चाहते हैं कि हमारी सारी फीमेल्स एट ए टाइम हीट में आएँ, तो हम GNRS का यूज़ करते हैं थ्रो सिंक्रोनाइजेशन के। तो ये हो गया GNRS। उसके बाद है FSH। अब ये GNRS जो है पिट्यूटरी ग्लैंड में मतलब मैसेज भेजता है, जिससे क्या होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर से FSH और LH रिलीज होता है। FSH को हम फोलीट्रोपिन भी कहते हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर से रिलीज होता है। उसका काम क्या है, ग्रोथ ऑफ ओवरन फॉलिकल्स, ये जो है मतलब फॉलिकल्स ओवरन फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाता है। और उसके बाद है एस्ट्रोजन प्रोडक्शन, एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन भी कराता है किसमें, ये ओवरन फॉलिकल्स में। और LH रिसेप्टर्स प्रोड्यूस करवाता है, FSH जो है LH रिसेप्टर्स प्रोड्यूस करवाता है ग्रेन्यूलोसा सेल्स में, जो ग्रेन्यूलोसा सेल्स ओवरीज में फीमेल की ओवरीज में मौजूद होती हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी क्लिनिक यूज़ में, क्लिनिक यूज़ में ये एनिस्ट्रस में भी, FSH जो है एनिस्ट्रस में हम यूज़ करते हैं। जो भी एनिमल हीट में मतलब नहीं आता, हम FSH जो हार्मोन यूज़ करेंगे वो एनिमल हीट में आ जाएगा। और सुपर ओव्यूलेशन, ये मतलब मल्टीप्लिकेशन करता है, एग्स जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रोड्यूस करता है। आउट ऑफ सीजन ब्रीडिंग, जो कि GNRS में भी हुआ था यूज़, मतलब क्लिनिक यूज़ था कि मतलब सीजनल ब्रीडिंग के अलावा भी हम जब चाहें एनिमल को हीट में ला सकते हैं इसकी वजह से, मदद से। अब आ गया LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को हम ल्यूट्रोपिन भी कहते हैं, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर से ही रिलीज़ होता है, जैसे FSH रिलीज़ होता है। उसके बाद उसका फंक्शन जो है ये मैच्यूरेशन करवाता है ओवरिन फॉलिकल्स में, ओवरिन फॉलिकल्स में मैच्यूरेशन करवाता है। और उसके बाद ओव्यूलेशन एंड कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन, अच्छा ये कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन भी करवाता है और कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन भी रखता है, फॉर्मेशन भी करवाता है और कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन भी रखता है। उसके बाद आ जाते हैं इसकी क्लिनिक्स पे, ये इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन भी करवाता है, इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन। और थेरेपी करते हैं डिलेड ओव्यूलेशन, जो कि फीमेल्स ओव्यूलेशन करने में पीछे हैं मतलब डिलेड हैं, तो हम जब LH हार्मोन यूज़ करेंगे तो अपनी सही टाइमिंग पे सही जगह पे मतलब आ जाएगी। और थेरेपी ऑफ ओवरन सिस्ट, जो ओवरन सिस्ट है हम LH जब यूज़ करेंगे तो ओवरन सिस्ट भी जो है ना मतलब डिलेड नहीं होगा, वो मतलब अपना कंटिन्यूसली काम करेगा। फॉर थेरेपी फॉर प्रोमोट CL ग्रोथ, कॉर्पस ल्यूटियम की ग्रोथ भी LH ही करवाता है, दैट्स इट, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकराम अली है, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर 2K19AV83 है, मेरे KBK अबोटाबाद से बिलोंग करता हूँ। और मेरा जो आज का टॉपिक है, सब टाइटल है उसमें आ गया प्रोलैक्टिन है, ऑक्सीटोसिन है और साथ में एस्ट्रोजन है। तो बात करते हैं प्रोलैक्टिन की, ये रिलीज़ होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है, और इसका फंक्शन जो है वो मिल्क इंड्यूस करता है, मिल्क मेटाबॉलिक ग्रोथ जो है इंडिविजुअल को, और साथ में इसका जो मेटरनल बिहेवियर है जो केयरिंग और नर्सिंग होती है वो ऑफ स्प्रिंग को मिलती है। और इसमें इसका फंक्शन है इंड्यूस सेपरेशन इफेक्ट ऑन द सेक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन आगे, उसके बाद हमारा जो है वो ऑक्सीटोसिन है। और ये ऑक्सीटोसिन जो है ये रिलीज होता है हाइपरथैलेमस से, और इसका जो कंट्रैक्शन है वो कंट्रैक्शन जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मसल स्मूथ मसल में कंट्रैक्ट करता है,
और इसका फंक्शन तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट फंक्शन इसका ये है, ये मिल्क लेट डाउन के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद ये दूसरा इसका रिक्वायर्ड होता है डिलीवरी फॉर फीटल एंड फीटल मेम्ब्रेन। और इसके क्लिनिकल यूज़ जो है वो हम इंस्पेक्शन ऑफ टेन प्लेसेंटा में करते हैं। उसके बाद जो है इसका पॉपुलेशन ऑफ जो ट्राइंग कंट्रेशन, कंसम्पशन रेट ऑफ टाइम ऑफ ए ब्रीडिंग, और यूज़ केस ऑफ ये ट्राइंग प्रोलैप्स। और इसका जो है ना अगर कोई गाय जो है वो दूध नहीं दे रही उसके लिए हम ये ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन भी करते हैं। जी थैंक यू। मेरा नाम जुनेद फिरदौस है और मैं केपीके हरिपुर से ताल्लुक रखता हूँ। आज मेरा प्रेजेंटेशन टॉपिक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और प्रोस्टाग्लैंडिन है। सबसे पहले प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बारे में आपको बताऊँगा कि ये फीमेल में इस ये कॉर्पस ल्यूटियम प्लेसेंटा और एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है, और मेल में ये टेस्टिस से सिक्रीट होता है, और वो टेस्टिस में उसके बाद टेस्टिस प्रोजेस्टेरोन से टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लिनिकली यूज जो है ये प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन है, और ये यूटरस की कंट्रक्शन को रोकता है, और ये मतलब कि यूटरस की ग्रोथ में हेल्प करता है, और इससे प्रेगनेंसी मेंटेन हो सकती है। इसका मेन फंक्शन ये है कि ये यूटरस इट प्रिपेयर्स यूटरस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जायगोट। उसके बाद मेरे पास दूसरा हार्मोन है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये एंड्रोमेट्रियम से सिक्रीट होता है, ये यूटरस की इनर वो लाइनिंग ऑफ द यूटरस है, इनर मोस्ट लेयर है यूटरस की। और प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन जो है ये ल्यूटोलाइसिस करता है। ल्यूटोलाइसिस मतलब कि ये मतलब कि कॉर्पस ल्यूटियम की ब्रेक डाउन करता है, और इसके क्लिनिकल यूज़ में हम देखेंगे कि ये परचुरेशन का आजकल परचुरेशन इससे होता है, अबॉर्शन और मम्मीफिकेशन इसमें भी कॉज करते हैं, और अगर पायोमेट्रो वगैरह हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी हम प्रोस्टाग्लैंडिन यूज़ करते हैं। स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन में भी ये अहम रोल अदा करता है, और सी ओ डी जो है ये सिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, इसकी भी ट्रीटमेंट के लिए हम प्रोस्टाग्लैंडिन यूज़ करते हैं। और अगर हमारा एनिमल एनी स्ट्रेस में या साइलेंट ईट में तो उसके लिए भी हम प्रोस्टाग्लैंडिन यूज़ करते हैं। थैंक यू सर।